अपराध केवल पुरुष ही नहीं कर सकता, महिलाएं भी कर सकती हैं, फिर भले ही वो बदले की आग में किया गया हो या मजबूरी में। अपराध तो अपराध ही होता है। इतिहास में भले ही पुरुषों का आतंकी साम्राज्य रहा हो, पर महिला अपराधी भी कम नहीं थी, जिनके सामने अच्छे अच्छों की पैंट गीली हो गई। आज मैं आपको ऐसी ही कुछ महिला अपराधियों के बारे में बताऊंगा, जिनके बारे में सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। समायरा जुमानी। दोस्तों, ये खतरनाक महिला जाने माने गैंगस्टर अबू सलेम की पहली पत्नी है, जिसने अपने पति को भी नहीं छोड़ा। कहा जाता है गैंगस्टर अबू सलेम के पकड़े जाने के पीछे इसी का हाथ था। पुलिस के पास इसके धोखाधड़ी, बम विस्फोट और जबरन वसूली के कई प्रकरण दर्ज हैं, जो केवल प्रकरण ही बनकर रह गए हैं, क्योंकि ये खूंखार महिला आज तक किसी की पकड़ में नहीं आई। और सुनने में आया है कि खतरनाक महिला समायरा जुमानी को आखिरी बार अमेरिका में देखा गया था, और अभी भी हमारी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां उसकी तलाश में हैं। फूलन देवी। दोस्तों, द ओरिजिनल गैंगस्टर फूलन देवी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये खतरनाक महिला अपनी मर्जी से जुर्म की दुनिया की मलिका नहीं बनी। जब ये महिला 18 वर्ष की थी, तब गांव के कुछ उच्च वर्ग के राजपूतों ने मिलकर इसका कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया और उसी हालत में मरने को छोड़ दिया। तभी से इस महिला ने बदले के आक्रोश में जुर्म का हाथ थाम लिया और एक के बाद एक जुर्म करती गई और खूंखार डकैत बन गई। पुलिस के पास इस खूंखार डकैत महिला के खिलाफ अपहरण, डकैत और 40 लोगों की हत्या के कई प्रकरण दर्ज थे, जिसके चलते फूलन देवी को 11 साल की जेल हो गई और फिर कुछ समय बाद लोगों की सिफारिशों के चलते उन्हें रिहा कर दिया गया। फिर ये महिला 2 बार लोकसभा सदस्य रही, पर इन्हीं के डकैत गिरोह के किसी व्यक्ति ने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी। रेशमा मेमन और सबाना मेमन। सन 1993 में हुए बम ब्लास्ट के बारे में तो आपने सुना ही होगा। भला इस काले दिन को कोई कैसे भूल सकता है, क्योंकि इसी दिन हुए ब्लास्ट में लगभग 317 लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 1400 लोग बुरी तरह से घायल हो गए थे। इस खतरनाक बम ब्लास्ट को करने वाले अपराधियों में मेमन परिवार के भी 2 सदस्य शामिल थे, जिनका नाम है रेशमा मेमन और शबाना मेमन। दोस्तों, रेशमा मेमन अंडरवर्ल्ड के डॉन कहे जाने वाले टाइगर मेमन की पत्नी है और शबाना मेमन उनकी साली है। दोस्तों, ये दोनों जुर्म की दुनिया की इतनी शातिर और खतरनाक खिलाड़ी हैं, जो इतने बड़े बम ब्लास्ट के बाद भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, आज भी हमारी सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देने में कामयाब हैं। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि उन्हें आखिरी बार पाकिस्तान के शहर में देखा गया है। सीमा परिहार। निर्भय गुज्जर की पत्नी रह चुकी सीमा परिहार एक जानी मानी न्यू एज्ड एक महिला डकैत थी। कहा जाता है इस महिला ने मात्र 13 साल की उम्र में ही बंदूक को अपना लिया था और जल्द ही दुनिया की जानी मानी खूंखार डकैत बन गई। पुलिस के पास सीमा परिहार के खिलाफ लगभग 70 हत्याओं और 200 से भी अधिक लोगों के अपहरण के प्रकरण दर्ज थे, जिसके चलते उन्होंने सन 2003 में कानपुर पुलिस को सरेंडर कर दिया। वर्तमान में ये समाजवादी पार्टी में एक सम्माननीय पद पर सदस्य के रूप में प्रतिस्थापित हैं और इन्हें कई बार बिग बॉस जैसे कई रियलिटी शो में देखा भी जा चुका है। शोभा अय्यर। दोस्तों, इस खतरनाक लेडी डॉन का खौफ आज भी दक्षिण भारत में मौजूद है, जिसके सामने आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहा जाता है इस महिला को आज तक किसी व्यक्ति ने सामने से नहीं देखा, यहाँ तक कि पुलिस के पास भी इसके अपराध के पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। इसकी एक फोटो भी पुलिस के पास मौजूद नहीं है। पुलिस का कहना है इस लेडी डॉन के खिलाफ लिट्टे जैसे आतंकी संगठन से संबंध होने के सबूत मिले हैं, पर फिर भी आज तक ये महिला पुलिस की गिरफ्त से दूर है। इसके खिलाफ रेड कॉर्नर जैसा नोटिस भी जारी किया गया है, तो आप सोच ही सकते हैं ये महिला कितनी खतरनाक है। दोस्तों, ये थी अपराध की दुनिया की कुछ खूंखार महिलाएं, जिन्हें या तो वक्त ने अपराधी बना दिया या इन्होंने खुद ही जुर्म का हाथ थाम लिया। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।